हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का पांचवा पार्ट। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और 500 तक चले जाएंगे, क्योंकि 450 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिए हैं केमिस्ट्री के। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर साइंस लूसेंट के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है और देख सकता है, अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं वीडियो के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, श्वास को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो ये फ्लोरीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक का धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा फ्रेंड्स। दंत क्षरण का कारण क्या होता है, मतलब दांत गिरने लगते हैं तो फ्लोरीन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी एक गैस रंगीन और गंधहीन है, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो रंगीन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन वायुमंडल का अंग नहीं है, वायुमंडल में क्लोरीन नहीं पाई जाती। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 458 का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने का पानी कैसे शुद्ध किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक है तो ये क्लोरीन हो जाएगा फ्रेंड्स। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है तो ये हो जाएगा यूरेटिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूरेटिक अम्ल एकमात्र अधातु जो कमरे में तापमान पर, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ अधातु की बात की है, जब भी अधातु की पूछेगा तो ब्रोमीन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और लोग गलत कर करके आए हैं, क्यों अगर यहाँ अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछे तो पारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अधातु, ये तो हो गया, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्र में क्या पाया जाता है? समुद्र में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, समुद्र ये लिखा हुआ है, समुद्र में बहुतायत प्राप्त होता है तो ये आयोडीन प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड। समुद्री खतवार में कौन सा महत्वपूर्ण कारण, तो ये आयोडीन हो जाएगा फ्रेंड। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के तहत किया जाता है तो ये आयोडीन हो जाएगा फ्रेंड। आयोडाइड फॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये पूर्तिरोधी में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक तत्व है जो अस्थियों एवं दांतों, हड्डी और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आयोडीन हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आयोडीन कृत लवण में रहता है तो पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, 417वां क्वेश्चन, अक्रिय गैसें डैश होती हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। 471 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस नहीं है तो ये फ्रियोन हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, वायु में नोबल गैस नहीं है तो रेडॉन गैस नहीं है, ये रेडॉन कोई मतलब नोबल गैस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से घुमाकर ये पूछा जाता कि जब भूकंप आता है ना तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस बढ़ जाती, तो वो रेडॉन आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि भूकंप आने पर रेडॉन गैस बहुत बढ़ जाती है हमारे उसमें वायुमंडल में। ठीक है फ्रेंड, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है तो ये आर्गन हो जाएगी फ्रेंड्स। वह कौन सी गैस है जो समुद्र में गोता लगाते हैं उनके द्वारा ली जाती है, तो ये हीलियम को लेके जाते हैं अंदर सिलेंडरों में भर के। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो या हीलियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हीलियम मिलाई जाती है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों बढ़ता दी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। वायु के साथ ये विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाता, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, धनात्मक हीलियम आयन बनता है, ऑप्शन नंबर सी 480 का। हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है तो ये हीलियम भरी जाती है, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, सबसे
प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस पूछिए तो आर्गन हो जाएगी फ्रेंड्स। वेल्डिंग, जो भी वेल्डिंग वगैरह होती है आपने देखा होगा, तो उसमें आर्गन का प्रयोग होता है, क्योंकि धातु के साथ यह उपक्रांतिकता कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है तो रेडॉन, जर्मेनियम आमतौर पर अर्ध कंडक्टर कहते हैं, जर्मेनियम को अर्धचालक। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक पसीना सोखने के लिए जो भी ये पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो पूछा है कि पाउडर में कौन सा प्रयोग होता है, तो ये बोरिक अम्ल प्रयोग होता है। देखा नहीं, टीवी पैड आती है ठंडा ठंडा कूल कूल, तो पाउडर बनाने के लिए बोरिक अम्ल का प्रयोग होता है उसमें, ताकि वो पसीने को सोख ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक का उदाहरण नहीं है, तो ये क्वार्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड। समुद्र के जल से क्रिस्टल द्वारा खाने का नमक बनाना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन निरूपित है, या रासायनिक परिवर्तन बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड, तीसरा और चौथा। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो एक आइस क्यूब का पिघलना, बर्फ़ पिघलना, कोई परिवर्तन नहीं है फ्रेंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे उत्पादन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि में एल्यूमिनियम के परत एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज किया जाता है, क्योंकि उन्हें जंग से बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, देखा होगा एल्यूमिनियम के कुकर वगैरह होते हैं, और जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं उसमें एल्यूमिनियम की परत से चढ़ी होती है, उसे लोहे के जंग से बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, जो एक सुरक्षित परत के रूप में कार्य करता है, तो उसकी रोकथाम के लिए गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसने की थी, तो सीमेंट को हम किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं, चाहे जो भी शेप हो, जो शेप। ठीक है फ्रेंड्स, सीमेंट को जो शेप में डालोगे उसी में ढल जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सी जो शेप। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, तो ये सीमेंट है। निम्नलिखित में से सीमेंट का एक मुख्य घटक कौन सा है, जब मकान बनाएंगे सीमेंट मिलाएंगे, तो सीमेंट में चूना पत्थर भी डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है, तो यही है चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इससे आगे के क्वेश्चनों की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए वीडियो एक एक ही डाल रहा हूँ मैं चैनल पर। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से डीप लेवल तक पढ़ाऊँगा, उसी क्रम में वीडियो मैंने GS की बनाई भी है, आप देखना, सतीश चंद्र की बुक से मैंने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, आप जाके उनको देखना। और जो भी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है लूसेंट की, लूसेंट के बाद हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, वो भी लूसेंट से ही। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड, वर्ल्ड जियोग्राफिक से, इंडियन जियोग्राफिक से, जो शासकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।